चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करा है कि एक व्यक्ति पूर्व की ओर चलता है। बोर्ड के इस साइड को आप पूर्व मान लीजिए, इसको वेस्ट, इसको नॉर्थ और इसको साउथ। पूर्व की ओर 1 किलोमीटर चलता है, 1 किलोमीटर। अब क्या करा, फिर वो दक्षिण की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। यहाँ से दक्षिण की ओर मुड़ेगा, 5 किलोमीटर चलता है। फिर वह पूर्व की ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, 2 किलोमीटर चलता है। और कह रहा है कि फिर वह उत्तर की ओर 9 किलोमीटर चलता है। मान के चलिए यहाँ से 9 किलोमीटर यहाँ गया। देखिए ये डिस्टेंस अगर 2 किलोमीटर है तो यहाँ से यहाँ भी 2 किलोमीटर होगा। अगर यहाँ से यहाँ अगर 5 किलोमीटर है तो ये भी 5 किलोमीटर होगा। तो ये कितना बच गया, 4 किलोमीटर। और ये हो गया 2, ये हो गया 1। और यहाँ से यहाँ मिलाने के लिए, यहाँ जब मिलाएंगे तो h ज्ञात करने के लिए बोलेगा। तो h बराबर हो जाएगा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस प्लस बी स्क्वायर, यानी कि p कितना है तो 4 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर, यानी कि 4 चौका 16 प्लस 9 आएगा। और जिसको इसे आप जब ऐड करेंगे तो आएगा 25 और रूट से बाहर 5 किलोमीटर ये आएगा। यानी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक व्यक्ति दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है। ऐसे बना लीजिए इसको, तो दक्षिण की ओर एक व्यक्ति इधर की ओर मुंह करके खड़ा है। वह घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में, घड़ी की दिशा ये होती है कुछ ऐसे, और विपरीत दिशा कैसे हो जाएगा, ऐसे। ठीक है, तो घड़ी की विपरीत दिशा में 135 मीटर मुड़ता है। यानी कि यहाँ से अगर मुड़ेगा तो एक सेक्टर जाएगा तो 90 मुड़ जाएगा, और यहाँ से अगर इस सेक्टर में आता है तो मान के चलिए ये 45 होगा और ये भी 45 होगा, तो यहाँ पे आ जाता है, इस साइड मुड़ जाता है। यानी कि इस दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो 135 डिग्री होगा। तो घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ जाता है 135 डिग्री पे। फिर वो क्या करता है, सुई की दिशा में, फिर वो घड़ी की सुई की दिशा में 180 मीटर मुड़ता है। यानी कि 180 मीटर यहाँ से सीधा लेंगे तो यहाँ से पुनः यहाँ तक आ जाएगा, तो 180 मीटर यहाँ पे आ जाएगा, 180 मीटर घड़ी की दिशा में। घड़ी की दिशा इस साइड होगा ऐसे, घड़ी के विपरीत दिशा होगा इस टाइप से। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाता है। अब क्वेश्चन कर रहा है, अब वह किस दिशा में खड़ा है, अब वह किस दिशा में खड़ा है। तो इधर मान के चलिए वेस्ट है, इधर ईस्ट है, इधर नॉर्थ है और इधर साउथ है। तो अब वह किस साइड होगा, तो साउथ वेस्ट में होगा, यानी कि दक्षिण पश्चिम होगा। बी ऑप्शन इसका सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 3 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि राहुल सचिन राहुल की तुलना में 7 वर्ष छोटा है। राहुल, मानिए कि राहुल का उम्र अगर x होगा तो सचिन का क्या होगा, सचिन का हो जाएगा x-7। ये माइनस है, ये इक्वल यहाँ रखिए। यानी कि राहुल का हो जाएगा x मान लीजिए, तो सचिन का हो जाएगा x-7। अब कह रहा है कि यदि उनकी उम्र का क्रमशः अनुपात 7:9 है, यानी कि सचिन और राहुल का, यानी कि x-7/x का अनुपात जो है ये आपको 7/9 दिया है, तो सचिन का उम्र पूछ रहा है। तो सचिन का उम्र बराबर पूछ रहा है। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 9x-9 को जब 7 से गुना करेंगे तो 63 आएगा, और ये इधर से करेंगे तो ये आ जाएगा 7x।
तो इम्प्लाई दैट 9x-7x = हो जाएगा 63, 63 आ गया। अब यहाँ पे आ जाएगा आपका 2x = 63, तो x का मान हो जाएगा 31.5, ठीक है। तो 31 हमने किसे माना था, तो राहुल को, तो सचिन का क्या हो जाएगा, तो इससे 7 कमा दीजिए, तो 7 अगर जब इससे घटाएंगे तो ये आएगा 11.5 यहाँ आ जाएगा, और 11 में से 7 गया तो 4 बचेगा और ये बचेगा 2, यानी कि सचिन का उम्र हो जाएगा 24.5, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखिए, 104 कह रहा है कि एक लड़की लड़के की ओर इशारा करते हुए सुनीता ने कहा, एक लड़का मान लीजिए ये है और सुनीता का मान लीजिए ये है, इसके ओर इशारा करते हुए सुनीता ने कहा कि वह मेरे दादाजी, मान के चलिए ये कोई पर्सन होगा जिसके दादाजी इसका, बोली कि वह मेरे दादाजी के अकेले पुत्र, इनके अकेले पुत्र का पुत्र है, इनका पुत्र है, तो बताएं कि लड़का सुनीता से किस प्रकार संबंधित है। सुनीता का क्या होगा, ये भाई होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, पासपोर्ट को कोड में RCUURQTV लिखा जाता है, यानी कि PASSOPORT, पासपोर्ट को क्या लिखा जाता है, एक मिनट, पासपोर्ट को लिखा जाता है RCUURQTV, इसको दूसरे स्टाइल से बनाते हैं, पासपोर्ट, इसको लिखा जाता है RCUURQTV, ये यू है, देखिए पी का मान जब इंग्लिश में आप ऐड करेंगे, A को 1, B को 1, 2, C को 3, D को 4, इसी प्रकार Z को 26, तो P का मान कितना आएगा, तो P का आपका हो जाएगा 16, तो 16 को R का मान 18, यानी कि प्लस 2 का अंतर किया है। उसके बाद A को C लिखा था, A को 1 मानिए, तो C को कितना मानना पड़ेगा, 3, तो इसमें भी प्लस 2, S का वैल्यू होगा 19 और U का हो जाएगा आपका 21, यानी इसमें भी प्लस 2 बढ़ाया है, यानी कि जो भी है इसमें प्लस 2 का ऐड किया गया है, तो इसी प्रकार हमको ऐड करना है कि BOOKLET, अब इसे प्लस 2 बढ़ाएंगे तो इसका मान 2 होता, तो 4 नंबर पे क्या आएगा, तो डी आएगा। ओ का मान कितना होता, ओ का मान 15 होता, तो 17 नंबर पे क्या आएगा, तो 17 नंबर पे आपको आ जाएगा क्यू। उसके बाद फिर ओ है, तो फिर एक बार क्यू आ जाएगा, तो ऑप्शन में क्या किसी में है, तो बी और ए और बी दोनों ऑप्शन में है। के का मान होता है 11 नंबर, तो के इसमें प्लस 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, एम यहाँ आएगा। चलिए एल का हो जाएगा 12 और इसमें प्लस 2 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा एन, ठीक है। और ई का हो जाएगा 5 और इसमें प्लस 2 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा जी, यानी कि ये ऑप्शन इसमें सही लग रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 106 देखें कि यदि दो संख्या के
यदि दो अंकों की संख्या में अंकों के स्थान आपस में बदल दिया जाए तो मूल संख्या 18 मूल संख्या से 18 अधिक हो जाता है। यदि दोनों संख्या की योग 4 है तो मूल संख्या ज्ञात करने के लिए कहा गया है। मान के चलिए कि इस टाइप के प्रश्न में सबसे पहले मानना होगा कि मान के चले कि नंबर जो है एक्स और वाई है, मानिए कि नंबर इक्वल टू है, संख्या क्या है एक्स और वाई, कह रहा है कि एक्स प्लस वाई का मान 4 दिया गया, संख्या क्या हो जाएगा मूल संख्या, मानिए कि 10x प्लस वाई हो जाएगा मूल संख्या। मूल संख्या अब क्या प्रश्न कर रहा है कि संख्या का आपस में अंकों के स्थान जो है अदला बदली कर देता था, अंकों का स्थान जब अदला बदली करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 10y प्लस एक्स, यानी कि प्रश्न में कह रहा है कि 10y प्लस एक्स जब करते हैं तो मूल संख्या जो है 10x प्लस वाई इससे 18 बढ़ जाता है। ठीक है, अब इसे सॉल्व कीजिए। सॉल्व जब करेंगे तो 10y इधर है तो इधर ये y घट जाएगा इसमें से, उसके बाद इधर x बचेगा और ये 10x बराबर किस साइड आके 10x आ जाएगा और इधर बचेगा 18। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बचेगा 9y माइनस 9x इक्वल टू आ जाएगा 18, और 9 अगर कॉमन लेते हैं तो y माइनस एक्स इक्वल टू 18 आ जाएगा। अब समीकरण क्या बचा, y माइनस एक्स इक्वल टू 18, ओ सॉरी 18 नहीं 2 बचेगा, यहाँ ये से कट जाएगा 2। अब एक समीकरण हमारे पास क्या बचा, एक समीकरण बचा x प्लस वाई इक्वल टू 2, वन मिनट, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4 बचा और एक बचा वाई माइनस एक्स इक्वल टू 2। अब इस जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये x कट जाएगा और 2y इक्वल टू हो जाएगा 2, 2y इक्वल टू 2 बच रहा है। और 6 बच रहा है, ऐड करना था तो y इक्वल टू हो जाएगा 3। अब y का मान समीकरण एक में जब आप रखेंगे तो कितना आ जाएगा, x प्लस 3 इक्वल टू हो जाएगा 4, तो x इक्वल टू आएगा 1। अब संख्या मूल संख्या पूछ रहा है तो 10x प्लस y था मूल संख्या, तो 10 गुने 1 प्लस 4 आएगा यानी कि ओ सॉरी 3 आएगा, तो यानी कि हो जाएगा 13, यानी कि मूल संख्या मेरा आ जाएगा 13। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखें कि 1/2 है, 3/4 है, 5/8 है, 7/16 है, 9/32 है और 11/64 है। देखिए ऊपर में प्लस 2 बढ़ रहा है, प्लस टू और ये प्लस 2, तो प्लस 2 होकर अगला टर्म क्या आ जाएगा, 13 आएगा। नीचे में देखें कि गुना 2 बढ़ रहा है, दोगुना हो रहा है, यानी कि 2 का 4 हो गया, 4 से 8 हो जाएगा, 8 से 16 हो गया, 16 से 2 32 हो गया और 32 से 64 हो गया, तो 64 से अगला क्या हो जाएगा, 2 से गुना करेंगे तो 128 आएगा, यानी कि 13/128 इसका आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखें, डिटेल में सॉल्यूशन सॉल्व करने से वीडियो जो है लंबा बनता है, ठीक है, फिर भी हम BSSC CGL का सेट प्रैक्टिस स्टार्ट किए हैं जो कि आज से रेगुलर रहेगा। इस वीडियो में आपको रीजनिंग का इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है रीजनिंग और मैथ का सॉल्व कर रहे हैं, और इसके आने वाला वीडियो जो है उसमें GS का पेपर सॉल्व किया जाएगा, टोटल 150 का सेट है। ठीक है, आगे कह रहा है कि टीचर को TECHER इसको कैसे लिखा गया है, VGCEJGT,
टी का कितना कोड होता है, 20 होता है, 20 को क्या किया गया, 22 बना दिया गया, यानी कि भी का 22 होता है, ई का 5 है तो जी का 7 है, यानी कि इसमें प्लस 2 जो है बढ़ा दिया गया, सब में प्लस 2 बढ़ा दिया गया, ठीक है। तो उसी प्रकार पूछ रहा है कि चिल्ड्रेन का क्या हुआ, सी एच आई एल डी आर ई एन, चिल्ड्रेन का इसका प्लस 2 बढ़ के कितना आ जाएगा, ये 3 पे है तो 5 पे क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। एच जो है, एच का कूट क्या होता, 8 होता तो 8 से 10 पे आ जाएगा, 10 का मान जे होता, ई जे क्या कोई ऑप्शन में है, 3 ऑप्शन में। आगे बढ़ते हैं, आई का 9 है तो 9 से 11 पे आ जाएगा तो 11 का के हो जाएगा। उसके बाद एल का देखें, एल का कूट जो है, एल का आएगा 12 तो 12 से 14 पे क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। उसी प्रकार डी का क्या आ जाएगा, डी का 4, 4 से 6 पे आएगा आना है तो 6 का कूट क्या हो जाएगा, एफ, तो एन के बाद एफ किस में है, इसमें भी है और ऑप्शन नंबर इसमें भी है और इसमें भी है, तीनों में। तो अभी आगे बढ़े, आर का कितना है, आर का 18 है तो इस पे 20 आ जाएगा, तो 20 पे क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, टी इसमें है इसमें भी है, बी ऑप्शन इसका गलत है और ये भी गलत हो गया, और बचा ये, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन हम आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 109 कह रहा है कि पिक्चर ऐसे दिया गया, हम पिक्चर पहले बना देते हैं, इसमें क्लियर नहीं पता चल रहा है, पिक्चर पहले ये दिया है, इसके ऊपर एक और इस वर्ग दिया गया है, ठीक है, और इसको बीच से काटा गया है। सबसे पहले यहीं से सॉल्व करते हैं, और इसको ऐड किया गया है और इधर भी एक वर्ग बनाया गया, पूछ रहा दिए गए चित्र में कितना वर्ग है। देखिए सबसे पहले छोटा बनाइए स्क्वायर, इसके बाद एक और स्क्वायर इसके ऊपर दिया गया, इसके बाद इसको ऐसे मिला गया। देखिए यहाँ पर 1, 2, 3 और ये 4 और एक बड़ा वाला ये 5। इसी प्रकार फिर से बनाते हैं, रुकिए, ये है, इसके बाद ये है, इसको ऐसे कट है, इसे 1, 2, 3, 4 4 हो गया। और इसमें एक ये वाला, ये हो गया आपका 5। उसी प्रकार ये हो जाएगा 6, 7, 8, 9 और एक ये वाला, तो ये हो जाएगा 10। टोटल यहाँ 10 हो गया, और एक ये वाला है तो ये हो जाएगा 11 और एक ऐसे करके है बना गया तो ये हो गया 12। टोटल इस टाइप के पिक्चर में कितना वर्ग है, तो ये हो जाएगा टोटल 12। इस क्वेश्चन में नीचे से थोड़ा जो है पीडीएफ कट गया है, इसके वजह से हमने पिक्चर यहाँ बना दिया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आगे देखिए, एक 10 नंबर पे आ जाए, 110 पे, कि यदि जेड को 52 कहा जाता है, जेड का मान कितना होता है, ए बी सी डी करके हमने बताया, ए का 1, बी का 2, सी का 3, तो जेड का कितना आ जाएगा, जेड का 26 आ जाएगा। तो यहाँ लिखा है जेड को 52 कहा जाता है, यानी कि 26×2 किया गया, ए सी टी को 48 कहा गया, यानी कि ए का मान 1 होगा, सी का 3 होता है और टी का 20 होता, तो यानी तीनों को ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा 24, इसको डबल कर दिया गया यानी कि 48 कर दिया गया। अब आपसे पूछ रहा है कि ई ए टी का मान क्या होगा, ई ए टी का मान, तो इसका मान 5 होगा, इसका 1 होगा और इसका 20। अब इस तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 26, और इसको जब डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 52। तो 52 इसमें आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका सही है। उसी प्रकार 111 कह रहा है कि वह पद ज्ञात कीजिए जो निम्न अन्य तीनों से अलग है, भिन्न है। पहला ऑप्शन है क्यू पी एन के,
उसके बाद है ए जेड एक्स यू दिया है, उसके बाद यू टी आर एन है, और उसके बाद एस आर पी एम दिया गया। देखिए प्लस इसमें माइनस वन किया गया, माइनस वन, तो इसी प्रकार जब आप करेंगे तो ये सबसे आपको अलग नज़र आएगा, तो इसीलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 112 कह रहा है कि आने वाले कल के बाद शनिवार है, तो बीते कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन था। मान के चलिए अभी आप यहाँ पे हैं, इसके बाद कह रहा है कि आने वाला कल मान के चलिए शुक्रवार होगा, इसके बाद शनिवार था, तो बीता कल ये हो गया, उसके 3 दिन पहले, 1, 2, 3 दिन पहले कौन सा दिन था। तो शुक्र यहाँ है तो ये हो जाएगा शुक्र, के बाद यहाँ आ जाएगा बृहस्पतिवार, ये आ जाएगा बुध, ये हो जाएगा आपका मंगल, ये हो जाएगा सोम, और ये हो जाएगा आपका संडे रविवार, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 113 कह रहा है कि पहले इस टाइप के प्रश्न को ऐसे करके आप लिख लें, यहाँ पोस्ट लगा हुआ है, प्लस का मतलब है गुणाव, यानी कि यहाँ प्लस का चिन्ह था तो यहाँ गुना कर दीजिए, गुना का मतलब है जोड़, यहाँ जोड़ हो जाएगा, घटाव का मतलब है भाग, यहाँ पर भाग हो जाएगा, और लास्ट में भाग है तो भाग का क्या मतलब, भाग का मतलब है घटाव। अब इसको सॉल्व कीजिए तो ये कितना आ जाएगा, 180 जोड़ 20, और ये भाग में आ जाएगा आपका 8 है और घटा 6 है, तो ये कितना आ जाएगा 200, और ये बट्टे में 8 आ जाएगा, माइनस 6 घटाना है, तो 200 में से जब 200 को 8 से आप डिवाइड करेंगे तो ये 25 आएगा, माइनस 6 जब कमाएंगे तो ये आएगा आपका 19, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे कह रहा है, इसमें रीजनिंग प्लस मैथ दोनों का प्रश्न मिक्स है, बीएसएससी सीजीएल थर्ड के लिए हम सेट प्रैक्टिस का डिस्कस कर रहे हैं। कह रहा है कि 39 व्यक्ति सबसे पहले इस टाइप के प्रश्न को एमडीएच से सॉल्व करें, एमडीएच M1 D1 H1 इसी प्रकार M2 D2 H2 इस टाइप से आप लिख लीजिए। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि 39 व्यक्ति एक काम को पाँच घंटे करके 12 दिन में समाप्त करता है, ये घंटा H दिया गया है, डे का मतलब दिन। उसी प्रकार दूसरा सेक्टर में कह रहा है तो 30 व्यक्ति एक दिन में 6 घंटे काम करके पूरा करने में कितना काम लगाएगा, मान के चलिए D2 लगाएगा, अब D2 इक्वल टू आप दे दीजिए 39 × 5 × 12 बट्टे 30 × 6 है, 6 है या 6 आएगा 6, अब इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6 × 12, ये आ जाएगा 15, इसे जब आप काटेंगे तो आ जाएगा 3, और इसे जब आप 3 से 39 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 13, यानी कि सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 115 देखें, क्वेश्चन नंबर 115 कह रहा है कि 1000 छात्रों के इतिहास, भूगोल एवं नागरिक शास्त्र सी, इतिहास के लिए एच कोड है, ज्योग्राफी के लिए जी है, और नागरिक शास्त्र के लिए सिविक सी है, ज्ञान के सर्वेक्षण का परिणाम नीचे दिया गया है, और क्वेश्चन पूछा गया है जो छात्र तीनों विषय जानते हैं तथा जो छात्र केवल नागरिक शास्त्र जानते हैं उनका अनुपात क्या है। देखिए जो तीनों जानते हैं उसका संख्या 100 है, 100 है, और जो सिर्फ नागरिक जानते हैं यानी कि सी, तो इसका संख्या कितना हो जाएगा 170, इसे जब आप
कट करेंगे तो 10:17 आएगा, यानी कि 10/17 ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 116 कह रहा है कि कुछ कागजात कलम है, सभी पेंसिल कलम है, पेंसिल इसके अंदर आ जाएगा, सभी पेंसिल कलम है। अब निष्कर्ष क्या दिया गया है कि कुछ कलम पेंसिल है, ये हो जाएगा, देख रहा है कि इसके अंदर पेंसिल है तो कुछ कलम भी पेंसिल होगा, सही है। कुछ कलम कागजात है, कुछ कलम ये वाला जो है कागजात है, ये भी सही है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके सेकेंड वीडियो में हम इसके जो प्रश्न है आगे का जो प्रश्न है उसे सॉल्व करेंगे। कुछ प्रॉब्लम हो जाने के टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाने की वजह से इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है।